हाँ 2013 से फंक्शनल हुआ था और 16 से इसका जो क्रियान्वयन है हम लोग इसको पूरे फुल फ्लेज्ड मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में अभी हमारे पूरे सभी समस्त जितने 28 जिले हैं वो कवर हो चुके हैं। आज के डेट में हमारे साथ में करीब करीब 1,90,000 हमारे स्व सहायता समूह से ज़्यादा भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो हम दो स्तर पर हम जेंडर इंटरवेंशन का कार्य कर रहे हैं। एक तो जो हमारी NRLM की जो सामान्य गतिविधियाँ हैं, जो आजीविका की गतिविधियाँ हैं या सोशल मोबिलाइजेशन की गतिविधियाँ हैं, हम जेंडर को उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें अभी थर्ड जेंडर के भी कामों को उसमें हम लोग अभी इंक्लूड करने का प्लान कर रहे हैं। इस पे अभी हम लोगों की चर्चा अभी थर्ड जेंडर कम्युनिटी के साथ में भी अभी हुई है। एक दीदी थी जिनके देवर हमेशा उन्हें प्रताड़ित करती थी शराब पीकर। वो दीदी हमेशा दुखी रहती थी और वो दीदी GPP मेंबर के द्वारा अपना दुख हमारे पास बताई, लेकिन ग्राम संगठन के बाद हम लोगों ने सखी मंच तैयार किया। हमारे हक में क्या आता है, जगह जमीन क्रेडिट कार्ड राशन कार्ड ये सब मालूम नहीं था। फिर प्रशिक्षण के दौरान ये सारी बातें जैसे मालूम हुई तो डायरेक्ट में तो जाके अपने पतियों से बोलेंगे, ससुर सास से बोलेंगे तो वो कर नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे समझाना, उनको समझाया गया